G20 समिट से पहले IMF का मंदी पर अलार्म, चीरो यूरोप में भी बड़ा है संकट, आगे भी समय रहने वाला है चुनौतीपूर्ण। जेलेंस्की ने फिर रूसी बर्बरता का किया खुलासा, खेरसान से निकल रही लाशें, यूक्रेनी सेना ने खेरसान शहर में एंट्री ली। इस्तांबुल बम ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार, मंत्री ने कुर्द PKK पर लगाया आरोप। पाकिस्तान से नाराज चीन, सीपेक की वजह से रिश्तों में आ रही खटास, पाकिस्तान के पास पैसा न होने की वजह से लटका प्रोजेक्ट। साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, अगले आम चुनावों में करेंगे PMLN का नेतृत्व, 2019 से लंदन में है शरीफ। इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे, वैश्विक चुनौतियों पर रखेंगे भारत की राय। अलवर मथुरा के बीच नई ट्रेन शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, सांसद बालकनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। के तिनसुकिया में सेना और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, धमाके की तेज आवाज से सहमे स्थानीय लोग, ऑपरेशन जारी। असम में कांग्रेस के सहयोग ने चुनाव वाद बदला पाला, अब भाजपा को समर्थन देने का फैसला, JPP ने लिया फैसला। गवर्नर आरिफ खान और मुख्यमंत्री के बीच विवाद, हाईकोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री को दिया छटका, एक कुलपति की नियुक्ति को किया रद्द। हमारा पैसा दो बनना, सत्ता छोड़ दो, मोदी सरकार पर भर्ती सीएम ममता बनर्जी, ममता का आरोप, केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को फंड नहीं दिया जा रहा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव, यूक्रेन को मुआवजा दे रूस, वोटिंग से दूर रहा भारत, 94 देशों ने कहा यूक्रेन को हर जाना तो मिलना ही चाहिए। हिमाचल से पहुंचाने के लिए ड्रोन का ट्रायल शुरू, किन्नौर में सफल रही पहली उड़ान, 6 मिनट में तय किया 5 घंटे का सफर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी, तेज बर्फबारी से सर्दी बढ़ने का अनुमान, गुलमर्ग डूटा के इलाकों में बिछी सफेद बर्फ की चादर। दिल्ली पुलिस ने हत्याकांड के खुलासा, पार्टनर ने प्रेमिका के 35 टुकड़े, कोर्ट ने अफताब को पुलिस कस्टडी में भेजा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई बिपाशा बसु, बेटी के साथ कपल ने पेपराजी को दी पोस्ट, फैंस ने दी बधाई। जेटली को ठगी मामले में बेल, 4 लाख के बॉन्ड भरवाए, अगली सुनवाई 24 नवंबर को। राजकुमार ने शेयर किया स्पेशल वीडियो, शादी की पहली सालगिरह पर वाइफ पत्र लेखा को खास अंदाज में दी बधाई, पिछले साल 15 नवंबर को हुई थी शादी। दृश्यम 2 को मिल रहा तगड़ा रिस्पॉन्स, 18 नवंबर को होगी रिलीज, फैंस को बेसब्री से इंतजार। व्हाट्सएप पर यूजर्स को मिला तोहफा, एक साथ 4 स्मार्टफोन पर चला सकेंगे ऐप, यूजर्स को मिलेगी सहूलियत। MP में पश्चिमी विक्षोभ खत्म होते ही बदला मौसम, दिन में हल्की ठंड बरकरार, रात का पारा 1 डिग्री बढ़ा। मध्य प्रदेश आई प्रेसिडेंट मुर्मू, शहडोल में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किया लागू। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की बड़ी मुश्किलें, रिश्तेदारों के घर पहुंची पुलिस, सीएम योगी की ही अमर्यादित टिप्पणी। सपा नेता की बिल्डिंग जमीन दोस्त करने की कार्रवाई शुरू, लखनऊ में 7 मंजिला इमारत में 44 फ्लैट तबेल, खरीदार बोले हमें क्यों मिल रही सजा। महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर रोक से भड़के कांग्रेस, PC बोले राहुल की यात्रा से डरकर लगाई रोक, BJP का जवाब, हर मुद्दे पर राजनीति ना करें।